लद्दाख में गलती से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने वाले चीनी फौजी को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज ने चमार डमचूक इलाके में दाखिल होने वाले चीनी फौजी पकड़ लिए, जिस एक फौजी की शनाख्त कुर पुराल वांग ये लूंग के नाम से हुई है। चीनी मीडिया ने तस्दीक करते हुए बताया कि चीन का फौजी रास्ता भूलकर भारतीय हदूद में दाखिल हो गया था। चीनी फौजी की रिहाई से मुतलिक मामलात तय पा गए हैं और भारत जेरे हरासत चीनी सिपाही को जल्द रिहा करेगा। भारतीय फौज ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अहलकार को जाब्ते की कार्रवाई के बाद मौजूदा प्रोटोकॉल्स के तहत वापस भेजा जाएगा। भारतीय फौज का कहना है कि चीनी सिपाही को तिबी इमदाद फराहम की गई, इसे खाना दिया गया और गर्म कपड़े भी दिए गए। चीन और भारत के दरमियान सरहद पर मशरकी लद्दाख में कशीदगी 21 अगस्त से जारी है। याद रहे कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने सरहद पर सूरतेहाल को इंतहाई संगीन करार देते हुए कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरतेहाल इंतहाई संगीन है, दोनों ममालिक को सियासी सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है।